पानी के झरने की आवाज। ढूंढो उन्हें, वो दोनों यहीं कहीं होने चाहिए। ढूंढो उन्हें, वो दोनों हमें बेवकूफ बनाकर यहीं कहीं छुपे हैं। ये तो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए, अब हम क्या करेंगे? अली आप सुन रहे हैं? ये पकड़ लेंगे हम। या खुदा कुछ ऐसा कर, रेत का भवंडर आए, ये लोग उसमें खो जाएं। जब तकदीर के आगे इंसान झुकने से मना कर देता है तब होता है जादू। जब कायनात देखती है जिद इरादों की तब होता है जादू। ये तूफान अचानक कहां से आ गया? कमाल है, खुदा ने बड़ी जल्दी मेरी दुआ कबूल कर ली। तलिस्मान का आधा टुकड़ा चमक रहा है, इसका मतलब दूसरा टुकड़ा भी हमारे आसपास ही होगा। कहा था कि काश रेत का बवंडर आ जाए और रेत का बवंडर आ गया। आपकी सामान तो सच में काली है। काली पीली नीली जो भी हो, कम से कम हम बच तो गए। अब चलो यहाँ से। यही पर है वो इंसान जिसके पास तलिस्मान का वो दूसरा हिस्सा है। किसी लड़की के साथ भाग गया है वो, पकड़ो उसे और लेकर आओ वो तलिस्मान, चाहे साथ में उसका गला काट कर ही क्यों न लाना पड़े। जाओ। डर मत गुल्लू, मैं आ गया हूँ। हम्म,
ठीक हो ना? पकड़ो उन चूहों को। चलो तुम लोग भागो यहाँ से, भागो। नहीं तुम मेरी फिक्र मत कर रहे निफी, मैं भी आ जाऊंगा। अभी फिलहाल तुम लोग भागो यहाँ से। चलो चलो। एक भी बच्चा भाग न पाए, पकड़ो। अब्बू, नफी, नफी, मेरे बेटे, कहाँ था तू इतने साल? बता बेटा कहाँ था तू? बोल कहाँ था बेटा? इसने क्या? इसने इसने मुझे कैद किया था अब्बू, और इसने मुझे जबरदस्ती अपने भट्टी में काम करवाया। अमर झूठ है ये, मेरी बात का यकीन करो, झूठ बोल रहा है ये लड़का। ये लड़का है, बता सच क्या है? तू ऐसे सच नहीं बोलेगा, मैं जानता हूँ इन बच्चों से कैसे पेश आना है। मार डालो इन बच्चों को, एक भी बच्चा बच ना पाए। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो। उस बदबख्त ने मेरे बेटे से भट्टी में काम करवाया, इसे भट्टी के हवाले कर दो। मेरी बात तो सुनो। पोया, पोया तो रो क्यों रहा है? हम उन सबसे बचकर आ गए हैं, अब कोई नहीं हमारे पीछे। बच के तो आ गए, लेकिन नफी नहीं बचेगा। ये तो क्या बोल रहा है पोया? अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तेरा वारिस मिल गया मुझे, मेरा लख्त जिगर। अब मैं तुझे अपनी निगाहों से कभी दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। शहजादी मरियम, कहां तक भागेंगे आप? बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में होंगी। 40 चोर, ये यहां क्या कर रहे हैं? पसीने की कमी थी। पूरी कायनात के सारे बुरे लोगों को हमारे पीछे क्यों भागना होता है? जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो तो एक ही हथियार काम आता है। कैसे हथियार? पैरों का मर्जीना, पैरों का। भागो भागो भागो। जल्दी भागो मर्जीना, तुम्हारी धीमी रफ्तार की वजह से लोग तेज रफ्तार में हमारे पास आ रहे हैं। तो हम कौन सा मरना चाहते हैं? भागी अली, भागी। वापस नहीं आएगा क्या मतलब? तुम सबको और कुल्लू को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे मेरे अब्बू के सामने आना पड़ेगा। नहीं नफी, अगर तू अपने अब्बू के सामने जाएगा तो वो तुझे अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, लेकिन तभी तुम सबकी जान बच पाएगी, तभी हमारी गुलरेज उस हमाद के चंगुल से बच पाएगी। हमें हमारी गुलरेज को बचाना होगा पोया। नहीं नफी, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, हम तुझे खो नहीं सकते। हम सब एक है। हाँ, हम सब एक है और हमेशा एक ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल तुम सबको बचाने के लिए मुझे तुम सबसे दूर जाना होगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है पोया। बड़ा है कुर्बानी देने वाला, हम उसे दूर नहीं होने देंगे। हम एक हाथ की पांच उंगलियों की तरह है, अगर एक उंगली निकल जाती है ना तो हाथ की ताकत कम हो जाती है।
वो हमारा भाई है, हम उसे अकेले नहीं छोड़ेंगे। पर उसके अब्बू दिया अफगानी है, तुम तो जानती हो कितना खतरनाक आदमी है वो। अब ये दिया अफगानी से नफी को बचाने में कौन हमारी मदद करेगा? हमारी मदद हमारे बाबा की दीवी सीख करेगी। बाबा ने हमें सिखाया था ना कि हम किसी से कम नहीं है। बम डम डम बम बम। कितना कमजोर हो गया बेटा तू नकुल, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। क्या क्या ख्वाब देखे मैंने। ख्वाब तो हमने भी देखा था अब्बू, जिंदगी भर अपने नए परिवार के साथ रहने का। अच्छा एक बात बता बेटा, मेरी दीदी तालीम तो नहीं भूला है? जो चोरी का हुनर मैंने तुझे सिखाया था, अरे भूलेगा कैसे, आखिर खून किसका है। रुको 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 रुको, बद्रुल बग्गी क्यों रोक दी? कोई अजीब सी आवाज आई मुझे सरदार। बद्रुल ये जंगल है, यहाँ चीटी भी चलती है तो जोर की आवाज होती है। खैर अब तूने जो बग्गी रोकी ली है तो फिर हम थोड़ी देर आराम कर लेंगे। चलो सामान निकालो। ये पत्ता मेरे नाक के अंदर जा रहा है, मुझे छींक आ जाएगी। अगर तू छींका तो उनके पकड़ने से पहले मैं तुझे यहाँ पीटूंगा। वो देखो पूरा नफी। चलो शुरू करते हैं। बोया आवाज निकाल। लेकिन इमाद ने तो आवाज निकालने से मना किया है। आवाज निकालने से मैंने मतलब कि बातें मत करो और इसकी आवाज निकालो। वो वाली आवाज। अब्बू मुझे हल्का होना है। ठीक है जाओ, लेकिन ख्याल है जंगल है। जी अब्बू। नफी तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नफी अब मेरी बारी है। नफी! नफी! चलो मुझे माफ कर देना अब्बू, मैं फिर से चोर नहीं बनना चाहता। नफी! नफी चलो चलो। रुक जाओ नफी, वो अपने अब्बू को छोड़ के जा रहा है, अपने अब्बू से दूर जा रहा है। तू चाहे कहीं भी भागी बेटा, लेकिन अपने किस्मत से नहीं भाग सकता। इतनी तुझे नकाब जाने कबीले का सरदार बनना है। या खुदा क्या हाल बना दिया चोरों ने इस जगह का। परवाज ज्यादा दूर नहीं, लेकिन 40 चोर हमारे आसपास ही हैं। क्या करें? बचने की सिर्फ एक ही तरकीब है, चलो। अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। ये थी आपकी तरकीब? उन चोरों ने काबुल का किला तोड़ दिया और आपको ये अलमारी महफूज लग रही है। एक तो तरकीब सोचो, उस पे तुम्हारे ताने सुनो। ये तरकीब है मेरे पास, तुमको पसंद नहीं आ रही काम करो बाहर जाके टहल लो जाके। आपकी तरकीब? चुप, बिल्कुल चुप।
तुम्हारी तो एक बात नहीं सुननी मुझे, जहाँ जाती हो मुसीबत लेकर जाती हो। पहले वो हैरत के सिपाही, फिर वो गुलामों के सौदागर, और अब ये 40 चोर। रिश्तेदारी है तुम्हारी मुसीबत से, तुम मुसीबत की खाला हो। हम मुसीबत की खाला? हाँ, मुसीबत की खाला हो। मुसीबत से बचना तो आता नहीं, लेकिन जो मुसीबत से बचाने के लिए आता है तुम्हें उससे बचना आता है। हमें बातें नहीं करनी आपसे। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। तो करे हम जुमा बाजार आ गए। ये जगह तो पूरी तबाह हो गई है, यहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। क्या हो गया पोया? उठ, तू ठीक तो है ना पोया? एक पल के लिए मेरा दिल बैठ गया था, लेकिन अब ठीक है। जल्दी चलो। ये 40 चोर बहुत खतरनाक है, सबको जलाकर खाक कर देते हैं। हमें बहुत डर लग रहा मत। गुल्लू, बाहर बहुत खतरा है, हमें एकदम चुपचाप रहना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जरूर नफी के अब्बू ही होंगे, हम बच नहीं पाएंगे। इमाद, क्या फायदा हुआ इतनी पढ़ाई करने का, जब किस्मत में चोरी बनना लिखा हो। चुप कर पोया, सबको डरा मत, हो सकता है कि वो कोई और भी हो। रुको, मैं देखता हूँ। ये तो 40 चोर है। भाई, क्या देखा तूने? 40 चोर।